स्थितम् गरुड़ वाहन विभूषितम् ज्ञान विज्ञान पतिम् सत्यमयम् जगदीश्वरम् प्रणम्यम् 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 श्रीशपुत्रम् प्रणम्यम् श्रीशपुत्रम् प्रणम्यम् श्रीशपुत्रम् प्रणम्यम् सत्यमयं जगदीश्वरम् मेघमंडल परिस्थितम् गरुड़ वाहन विभूषितम् ज्ञान विज्ञान पतिम् सत्यमयं जगदीश्वरम् प्रणम्यम् 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 श्रीशपुत्रम् प्रणम्यम् श्रीशपुत्रम् प्रणम्यम् श्रीशपुत्रम् प्रणम्यम् मैं सदैव वर्तमान में स्थित रहता हूं, यद्यपि मैं स्वयं ही तीनों कालों में उपस्थित हूं, तथापि तुम्हारी सामर्थ्य मुझे केवल वर्तमान में देखने व जानने की है। मैं जानता हूं तुम्हें ये सकल विश्व आकर्षित व मोहित किए रहता है, और मैं इस प्रकृति की लीला के मध्य तटस्थ स्वस्वरूप में धर्म रक्षा हेतु आनंदित व उपस्थित रहता हूं। वर्तमान मनुष्य केवल स्वयं को बुद्धिमान ज्ञानी और अद्भुत मानता है। ऐसा आज ही नहीं हुआ, भूतकाल में भी हुआ है। ये ज्ञान मेरा है, ये विज्ञान मेरा है, ऐसा अहंकार पोषित मनुष्यों का ये युद्ध मैं सदैव से देखता रहा हूं। भूतकाल ही वर्तमान बन गया और वर्तमान ही भविष्य बन जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास बताता हूं जो भूतकाल से वर्तमान हो गया और अब भविष्य की ओर जा रहा है। पुरातन काल में हिमालय पर्वत के शिखरों पर एक अति प्रसिद्ध महासिद्ध योगी उत्पन्न हुए, जिन्हें उद्रमा कुलनाथ के नाम से जाना जाता है। एक बार वो हिमालय के वनों में अपनी ध्यान साधना में लीन थे। वो अपने आसपास के परिवेश से इतना जुड़ गए थे कि वो वायु में उड़कर आ रहे किसी पक्षी के पंख को बंद नेत्रों में भी अनुभव कर सकते थे। एक पंख वायु के वाहन में यात्रा करते करते महासिद्ध उद्रमा कुलनाथ, जिन्हें उद्रमी भी कहा जाता है, उनके पास जा पहुंचा। उस पंख को हाथों में लेकर महासिद्ध उद्रमी देखने लगे तो उन्हें इसके पीछे भगवान महादेव शिव का संकेत अनुभव हुआ। महासिद्ध उद्रमी उस पंख को बड़े ध्यान से देखते हुए उसकी रचना व उसकी आकृति का भेद जानने का प्रयास करने लगे। कौलांतक पीठ की मौखिक परंपराएं ये बताती है कि महासिद्ध उद्रमी ने ही सबसे पहले ये सोचा कि हम मनुष्यों के पास पंख क्यों नहीं है। यह पंख स्वयं वायु में उड़ सकता है और स्वयं पक्षीगण इसी पंख की सहायता से आकाश मंडल की यात्रा करते हैं।
तब वो इसी रहस्य को जानने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चले गए। और कुछ समय भगवान महादेव के पास सिद्ध सूत्रों का अध्ययन कर पुनः वापस लौटे। कैलाश से लौटने के बाद महासिद्ध उद्रमीनाथ का पक्षियों के पंखों के प्रति मोह बढ़ता चला गया। वो वनों में घूम घूम कर पक्षियों के पंखों को एकत्रित करते रहते और उनके अध्ययन में दिन रात अति व्यस्त व लीन रहते। आज मैं स्वयं भी उद्रमाकुल नाथ जी की भांति ही वनों में पक्षियों के पंखों को एकत्रित करते हुए भूतकाल को जीकर अनुभव कर रहा हूं। गुरुजन कहते हैं कि महासिद्ध उद्रमाकुल का वास्तविक नाम उड्डमाकुल था, जिससे उड्ड अर्थात उड्डान का आरंभ हुआ। महासिद्ध उद्यमी जी का प्रमुख सूत्र है, जगत चलन के लिए नहीं फलन के लिए है। यहां पर फलन अर्थात उड़ना और चलन अर्थात चलना है। अभिप्राय यह है कि संपूर्ण जगत को अपनी टांगों से चलकर कोई नहीं देख सकता, और जिसने जगत को देखा ही नहीं वो स्वयं को पृथ्वीवासी कहे तो वो परिहास ही प्रतीत होता है। इसलिए जगत को जानने के लिए फलन अर्थात उड़ने की कला होनी चाहिए। केवल उड़कर ही हम सकल जगत को देख सकते हैं। योग विद्या के जानकार सिद्ध योगी महासिद्ध उद्रमाकुल को उड्डयन बंध के कारण भी सभी जानते हैं, क्योंकि महादेव से उड्डयन बंध को प्राप्त करके उन्होंने ही जगत में विख्यात किया था। ये उड्डयन बंध ब्रह्मांड में गति करने वालों और आकाश में गति करने वालों के लिए वरदान मुद्रा है। महासिद्ध उद्यमी ने वनों से पंख व कंद को एकत्रित कर एक विशेष आकृति की रचना की। ये प्रथम आकृति ही प्रतीक चिन्ह बन गई अनेक विद्याओं की। इन विद्याओं के नाम हैं वायु गमन विद्या, आकाश गमन विद्या, ब्रह्मांड गमन विद्या, वैमानिकी विद्या अर्थात वैमानिक शास्त्र विद्या, उड्डयन विद्या, आकाशचरी विद्या व खेचर विद्या आदि। पंखों व कंद से बनी यह आकृति आज भी सिद्धों के लिए बड़ी ही पूजनीय आकृति है। यदि इनमें से कोई भी विद्या आप सीखना चाहते हैं तो प्रथम आपको पंखों द्वारा मेरी ही भांति उसी विशिष्ट आकृति का निर्माण करना होगा। इस आकृति को बनाने का साधारण नियम यह है कि आप कंद अथवा मूल में पंखों को पुष्प की पंखुड़ियों की भांति लगाते चले जाएं। वृत्ताकार पंख आपको क्रमशः 3, 5 अथवा 7 वलय के क्रम में लगाने पड़ते हैं।
जिससे एक दिव्य पुष्प जैसी आकृति बन जाती है। यही से शुरू होता है पुष्पक सिद्धांत। पंखों का बना पुष्प ही पुष्पक है। इसी पुष्प की रचना के लिए महासिद्ध उद्रमाकुल नाथ को हिमालय के महासिद्ध पूजते हैं और उनका सदैव आभार व्यक्त करते हैं। आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि इस पुष्प में ऐसा क्या है जो इसे पुष्पक कहा जाता है। इसका उत्तर मैं कुछ समय पश्चात दूंगा। अभी तो मुझे व्यवस्था करनी है, एक स्थान का चयन करना है जहां बैठकर मैं आपको साधारण रीति से पुरातन काल में रचित पुष्पक सिद्धांत को सरलता से बता सकूं। हिमालय का वातावरण शीतल व धुंध से भरा हुआ है। ऐसे में मुझे बहुत से पंख व अन्य साधन चाहिए ताकि मैं आपको ये पुरातन इतिहास उसी रूप और विधि द्वारा बता सकूं जो पूरा काल में घटित हुआ है। महासिद्ध उद्रमाकुल नाथ के बाद एक अन्य महासिद्ध हुए महासिद्ध भृणु, जिन्होंने पुष्पक सिद्धांत को अत्यंत सरल और सहज बना दिया, क्योंकि उन्होंने वनों से बांस काष्ठ आदि लाकर पुष्पक सिद्धांत को एक अद्भुत और विकसित रूप प्रदान किया। इस परंपरा में सबसे अधिक सहयोग महासिद्ध रेतसनाथ जी का भी है। प्राचीन सिद्ध परंपरा का पालन करते हुए मैं सर्वप्रथम अपने लिए स्थान का चयन कर वहां पुष्पक सिद्धांत का प्रतीक चिन्ह पंखों के बने हुए पुष्पक को ऊंचे स्थान पर स्थापित कर पूजन स्थल का
निर्माण करता हूं। प्राचीन हिमालय स्थित सिद्धों के गुरुकुलों में, विशेषतया कौलांतक पीठ के गुरुकुलों में, ये पंखों का पुष्पक सदैव परम आकर्षण का केंद्र रहा है। जिसका कारण स्पष्ट है कि यदि आकाश में पक्षियों की भांति उड़ना है तो उसके सारे सूत्र इस पुष्पक में ही हैं। मैंने हिमालय के वनों में एक अद्भुत वृक्ष के नीचे अपना साधना व शोध स्थल बना लिया। स्वयं के लिए काष्ठों से बना आसन तैयार किया ताकि मैं उस पर बैठकर अपनी साधना व प्राचीन पुष्पक सिद्धांतों को स्वयं प्रयोगात्मक रूप से संपन्न कर सकूं। इसी वृक्ष के नीचे पुष्पक स्थापित है, किंतु ये पुष्पक बिना पुष्पों के अभी अपूर्ण है, इसलिए मैं दूर गांव से पुष्प लेकर आता हूं और उन्हें पुष्पक के नीचे स्थापित कर देता हूं। अब ये पुष्पक पूर्ण पुष्पक हुआ। इसी पुष्पक के सम्मुख मैं आपको समस्त महासिद्धों के सिद्धांत बताता हूं। सर्वप्रथम मुझे बांस अथवा काष्ठ से बहुत सारी शलाकाएं बनानी होगी। कौलांतक पीठ की परंपरा रही है कि शिष्यों को सभी सिद्धांत प्रयोगात्मक रीति से सिखाए जाने चाहिए। अग्नि का धुना चेतन कर मैंने अपनी पूर्व की सभी तैयारियां संपन्न कर ली हैं। Thank you.
हिमालय के जिस स्थान पर मैं अभी हूं यहां बांस प्रचुर मात्रा में है, इसलिए मेरे सारे प्रयोग और भी सरल हो जाते हैं। सही नाप के साथ सारी शलाकाओं को पुष्पक चिन्ह के सम्मुख रखकर मुझे निकट के गांव जाकर वहां से वस्त्र बांधने के लिए सूत व धागे आदि लेकर आना है। बाकी वृक्षों का गोंद आदि वनों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। महासिद्ध भृणुनाथ ने पंखों के पुष्पक के अतिरिक्त एक साधारण पुष्प को पुष्पक का एक अभिन्न अंग बताया है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि यदि आकाश में उड़ना है तो यंत्र की आवश्यकता होगी अथवा कृत्रिम उपायों की आवश्यकता होगी। महादेव शिव ने वायु के समस्त सिद्धांतों को समझाने के सूत्रों को प्रकृति के मध्य ही बताया है और पुष्प इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। पुष्पक सिद्धांत को सीखने वाले शिष्य के लिए ये अनिवार्य है कि वो अपने हाथों में पुष्प लेकर उसका गहनता से अध्ययन करें। संपूर्ण पुष्प की आकृति कैसी है, पुष्प की पंखुड़ियों की आकृति कैसी है और किस प्रकार पुष्प की एक पंखुड़ी के नीचे दूसरी पंखुड़ी, उसके नीचे अन्य पंखुड़ी और उसके नीचे अन्य पंखुड़ियां उत्पन्न होती हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है।
महासिद्ध भृणु कहते हैं कि पुष्प को हाथों में लेकर उसे वृत्ताकार घुमाना चाहिए, कभी धीमी गति से तो कभी तीव्र गति से घुमाते हुए पुष्प को देखकर पुष्प की गति का अनुभव करना चाहिए। यद्यपि पुष्प बहुत ही छोटा होता है, किंतु पुष्प को देखकर काष्ठ से एक बड़ा पुष्प बनाकर उसमें बहुत सारे पर्ण लगाकर उसे घुमाने से वायु मंथन का प्रभाव उत्पन्न होता है और यही मंथन वायु को समझकर उस पर विजय प्राप्त करने का सूत्र बनता है। वही महासिद्ध उद्रमा कुलनाथ काष्ठ की शलाकाएं बनाकर उस पर पक्षियों के पंख जोड़कर चक्री का निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम दो सिरों वाली चक्री का निर्माण। और उसे वायु में रखा जाता है और उससे वायु स्वयं उस चक्री को घुमा देती है। वह शिष्य स्वयं उसे अपने हाथों से घुमाकर अपने आसपास न दिखने वाली वायु के वेग को अनुभव कर पाते हैं। इसके पश्चात महासिद्ध उद्रमा कुलनाथ चार सिरों वाली चक्री बनाते हैं जो वायु का ध्वनि सहित मंथन करती है। इस चक्री के दो पंख सहज व दो पंख विपरीत होते हैं।
वायु की गति को इस प्रकार समझाने के बाद भी महासिद्ध उद्रमा कुलनाथ नहीं रुकते। वो 6 पंखों वाली चक्री का निर्माण करते हैं। इस बार सभी पंख एक ही ओर सीधे लगाए जाते हैं और अब उन्हें घुमाने पर वायु का कोई अवरोध अनुभव नहीं होता और सहज ही ये काष्ठ की चक्री घूमने लगती है। फिर इसी चक्री की दंडिका में महासिद्ध उद्रमा कुलनाथ धागा लपेट लेते हैं और उसे बलपूर्वक खींचते हैं। परिणाम स्वरूप चक्री वायु में स्वयं तीव्रता से घूर्णन करने लगती है। धागे से चक्री घुमाने की इस विधि को उन्होंने तत्पर बल नाम दिया, जो भविष्य में ज्ञान विद्या का मुख्य सूत्र बना। इसके पश्चात महासिद्ध उद्रमा कुलनाथ ने 8 शलाकाओं वाली चक्री का निर्माण किया। और इसके पंखों को इस प्रकार से बांधा कि पंखों का अग्रभाग कभी नीचे की ओर होगा तो कभी ऊपर की ओर। ऐसी स्थिति में जब पंखों को बदल बदल कर चक्री को घुमाया जाता है तो शिष्य चक्री के साधारण सिद्धांत को समझ जाता है कि पंखों की कौन सी स्थिति वायु को नीचे की ओर खींचती है और कौन सी स्थिति वायु को ऊपर उठाती है। इसके पश्चात महासिद्ध उद्रमा कुलनाथ 10 पंखों को जोड़कर चक्री का निर्माण करते हैं और तब शिष्यों को इस चक्री को तीव्रता से घुमाने के लिए कहा जाता है, जिससे शिष्य ये अनुभव कर पाता है कि पंखों की संख्या जितनी अधिक होगी तब चक्री को घुमाने के लिए उस पर उतना ही अधिक बल लगाना होगा। इस संपूर्ण सिद्धांत को वायु मंथन सिद्धांत कहा जाता है।
महासिद्ध उद्रमाकुलनाथ ने 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 इस प्रकार से विविध स्थितियों में स्थापित पंखों वाली चक्रियों द्वारा पुष्पक सिद्धांत के वायु मंथन सिद्धांत की परंपरा नींव को स्थापित किया। वायु मंथन को समझने वाला शिष्य पुष्पक सिद्धांत में कभी असफल नहीं होता। बस केवल वायु मंथन के सिद्धांत को भली प्रकार समझना होगा। पुष्प और पंखों से आगे महासिद्ध रेतस नाथ ने पुष्पक सिद्धांत में एक और महत्वपूर्ण और चमत्कारिक प्रयोग संपन्न किया। उन्होंने महासिद्ध उद्रमाकुलनाथ के पंखों से वायु मंथन के सिद्धांत को समझकर एक अद्भुत प्रयोग संपन्न किया, जो इतना प्रसिद्ध हुआ कि हिमालय पर्वत की सीमाओं को लांघकर भोट, चीन आदि अन्य देशों तक जा पहुंचा। ये प्रयोग बड़ा ही सरल किंतु पुष्पक सिद्धांत का बड़ा ही महत्वपूर्ण चरण था। काष्ठ अथवा बांस की शलाकाओं के मध्य में छिद्र डालकर उन्हें परस्पर जोड़ दिया जाता और मध्य की शलाका को हाथों से घुमाकर उसे
वायु में छोड़ दिया जाता, जिससे कुछ देर वायु में स्थिरता प्राप्त होती। अब बार बार अध्ययन करने पर महासिद्ध रेतसनाथ ने काष्ठ की पंखुड़ियों को इस प्रकार से निर्मित किया कि वायु मंथन के समय काष्ठ शलाका स्थिर रह सके। इस लघु यंत्र को महासिद्ध रेतसनाथ के नाम पर रेतसी कहा जाता है। मैंने भी बाल्यकाल से लेकर अभी तक कई बार अपने हाथों से इन रेतसियों का निर्माण किया है और महासिद्ध रेतसनाथ का दिया साधारण सा उपहार मुझे असाधारण सिद्धांत की याद दिलाता है। सच कहूं आज भी रेतसी को उड़ाने पर मुझे बाल सुलभ आनंद की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। रेतसी को वायु में देखकर मन आज भी खिलखिला उठता है और मन में खुशियों के बुलबुले आज भी फूटने लगते हैं। मेघमंडल परिस्थितम् गरुड़ वाहन विभूषितम्